Welcome to your online classes. See here, today we will do exercise 5.2 multiplication sums. Okay? तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या आना चाहिए? Tables learn होनी चाहिए. आपको tables learn है सभी को? Okay? Now, in multiplication, we will start from right side. Okay? हम इसको right side से start करते हैं multiplication करना. कभी भी इसको यहाँ multiplication नहीं करेंगे. Multiply करने के लिए हमें 2 को 3 से पहले multiply करना पड़ेगा. ठीक है? 2 3 6, 2 की टेबल 3 तक करो, 2 1 2 2 2 4, 2 3 6, 2 2 क्या होता है, 2 1 2 2 2 4, राइट, 4 ही. ओके, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन इज 4 1 जब भी हम किसी डिजिट की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 वही डिजिट सेम आ जाता है. 4 1 4, 4 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 2 8. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, राइट साइड से. पहले 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से. 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, सो राइट 6 है. ओके, नाउ 2 की टेबल 2 तक, 2 1 2, 2 2 4, राइट 4 है. 2 की टेबल 4 तक, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, सो राइट 8 हियर. 2 2 4, राइट 4. जब भी आपने मल्टीप्लाई के सम करने हो तो आपको टेबल्स जरूर आनी चाहिए. ओके, 3 की टेबल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th क्वेश्चन, 3 की टेबल 2 तक, 3 1 3, 3 2 6, ना राइट 6 हियर. 3 की टेबल, अब देखो किसी भी डिजिट की अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही आता है. ओके, कभी भी कोई डिजिट हो, यहाँ 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, किसी भी डिजिट के 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा. 3 0 0, 3 2 6, 3 1 3 की टेबल 3 तक, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, राइट 9 है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15th क्वेश्चन. 15th क्वेश्चन में 4 के टेबल 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, राइट 8 है. 4 के टेबल 4 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमने बताया ना किसी भी डिजिट की 0 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 0. ओके, नाउ 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 4, 4 2 8, वेरी, 4 1 4. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. ये है 1101, उसकी मल्टीप्लाई करनी है 5 से. तो 5 की टेबल 1 तक, 5 1 5. अब 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, क्योंकि किसी भी डिजिट की 0 से मल्टीप्लिकेशन 0 होती है. 5 1 5, 5 1 5. ओके, दिस इज क्लियर बच्चे, क्लियर टू ऑल. ओके, नेक्स्ट Now, exercise 5.3, multiply sum also. Okay, पहले हमने multiply के sum किए थे, वो सिर्फ 1 digit के थे, उसमें carry नहीं होता था. इसमें carry वाले sum है ये. देखो, हमें 3 की, कहाँ से multiply side start करते हैं? Right side से. Okay, 3 की multiply करेंगे 6 से. 3 1 6, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18, 18 आया ना, तो 18 में क्या करेंगे, जो राइट साइड वाला है वो राइट करेंगे और 1 यहाँ कैरी करते हैं. ओके, 3 6 18, 8 राइट करेंगे और 1 यहाँ कैरी. 3 5 15, 15 में 1 प्लस करेंगे क्या हो जाएगा, 16. दोबारा से देखो बच्चे, हमने क्या करना है, राइट साइड से स्टार्ट करनी है. ठीक है, 3 की टेबल पहले 6 तक, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 6 18. 18 का 8 यहाँ राइट करेंगे और जो 1 है उसको कैरी यहाँ लगाएंगे नेक्स्ट डिजिट पे. 3 5 15, 15 प्लस 1 16. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब नाउ 5 की टेबल 8 तक, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 8
40, ओके ना 40, 5 8 40, 40 का क्या करेंगे, 0 तो हम यहाँ राइट करेंगे एंड 4 इज कैर, ओके नाउ 5 6 आ 1 2 3 4 5 6, 5 6 आ क्या होता है 30, 30 में वो 4 ऐड करेंगे क्या आ जाएगा 34, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9 की टेबल 4 तक, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, 9 पहले 4 से देखो, 9 फोर जा क्या होता है 36, नाउ राइट 6 हेयर, 9 की टेबल 4 तक, 9 वन जा 9, 9 टू जा 18, 9 थ्री जा 27, 9 फोर जा 36, 9 फाइव जा 45, 9 पहले 4 से देखो, 9 फोर जा क्या होता है 36, नाउ राइट 6 हेयर एंड 3 कैर, नाउ 9 की टेबल 5 तक 45 में 3 ऐड करेंगे क्या आएगा 46 47 48, ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ क्वेश्चन, 6 की टेबल 8 तक, ठीक है 6 वन जा 6, 6 टू जा 12, 6 थ्री जा 18, 6 फोर जा 24, 6 फाइव जा 30, 6 सिक्स जा 36, 6 सेवन जा 42, 6 एट जा 48, नाउ 6 सिक्स एट जा क्या होता है 48 में 8 तो हम यहाँ राइट करेंगे और 4 कैर, ओके नाउ 6 की टेबल 5 तक 1 2 3 4 5, दिस इज 30 में ये 4 ऐड करेंगे क्या हो जाएगा 31 32 33 34, नाउ राइट 34 हेयर, ओके नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज 5 की टेबल 9 तक, 5 इन जा 5, 5 टू जा 10, 5 थ्री जा 15, 5 फोर जा 20, 5 फाइव जा 25, 5 सिक्स जा 30, 5 सेवन जा 35, 5 एट जा 40, 5 नाइन जा 45, 5 टेन जा 50, नाउ 5 नाइन जा 45, नाउ राइट 5 हेयर एंड 4 कैरी, ओके नाउ 5 की 7 टेबल 7 तक 1 2 3 4 5 6 7, 35 में क्या ऐड करेंगे 5 7 जा 35, 4 ऐड कर दो 35 प्लस 4 39, ओके बच्चे नाउ लास्ट क्वेश्चन इज 8, 38 मल्टीप्लाई बाय 8, नाउ 8 की टेबल 8 वन जा 8, 8 टू जा 16, 24, 40, 48, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, now write 4 here and 6 care, okay, 8 3 जा 8 3 जा 8 1 जा 2 जा 8 3 जा 8 3 जा क्या होगा 24 में क्या ऐड करेंगे हम 6, दिस इज 30, ओके क्लियर टू ऑल, ओके इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले टेबल्स अच्छे से लर्न करनी है, ओके नाउ यू लर्न टेबल एंड देन यू कैन डू दिस सम वेरी फास्टली, ओके थैंक यू, हैव अ नाइस डे।